आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। पिछले साल देश में सोने की ज्वेलरी की मांग करीब दो गुना बढ़ गई है। साल 2021 में देश में गोल्ड ज्वेलरी की मांग 93% की बढ़त के साथ 611 टन रही, जो 2020 में 316 टन रही थी। शादियों की संख्या में तेजी, हायर सेविंग्स और पेंट अप डिमांड के कारण ज्वेलरी मार्केट में तेजी आई है। कई रिटेलर्स ने तो पिछले साल रिकॉर्ड बिक्री भी की। वैल्यू टर्म में देखें तो बीते साल देश में ज्वेलरी डिमांड 96% की तेजी के साथ 2.6 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। साल 2020 में यह 1.3 लाख करोड़ रुपए की थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में सोने की मांग बढ़कर 797 टन पहुंच गई, जो कि 2020 में 446.4 टन की रही थी। भारत की गोल्ड डिमांड 2021 में 79% रिकवर हुई है। इसकी वजह चौथी तिमाही में मांग में आई तेजी है। अक्टूबर दिसंबर के दौरान सोने की मांग 343 टन की रही। कुल मिलाकर साल 2021 की चौथी तिमाही में इन्वेस्टमेंट डिमांड 61% की तेजी के साथ 79 टन रही। 2020 की चौथी तिमाही में यह 49 टन थी। वैल्यू टर्म्स में देखें तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट डिमांड 34,130 करोड़ रुपए की रही, जो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 57% अधिक है। पिछले साल की चौथी तिमाही में गोल्ड इन्वेस्टमेंट डिमांड 21,730 करोड़ रुपए की रही थी। दूसरी तरफ डिजिटल गोल्ड सेविंग्स में भी काफ़ी तेजी आई है। यह सोने में निवेश को लेकर लोगों की बदलती आदतों का संकेत देता है। सवाल ये है कि हाई रिटर्न के लिए सेविंग है या कैश रखने के खतरे से निपटने का तरीका। पिछले साल सोने पर नेगेटिव रिटर्न मिला था, लेकिन इस साल सोने की कीमत अब तक स्थिर ही रही है। दूसरी ओर क्रिप्टोकरेंसीज और शेयर बाजार ने इस साल निवेशकों को निराश किया है। जानकारों का मानना है कि इस साल के अंत तक सोना नए रिकॉर्ड पर पहुंच सकता है, इसलिए सोने में निवेश फायदे का सौदा हो सकता है। साथ ही सोने में निवेश करके कैश रखने के खतरे से निपटा जा सकता है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।